हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है 4। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टीलोफेज तक, माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहे थे और हमने टीलोफेज पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा सा टीलोफेज रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे हम क्या कर पाएं, साइटोगेनेसिस पढ़ पाएं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टीलोफेज में क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, इसके अंदर न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स वापस आ जाती हैं, ठीक है। और साथ में जो साइटोप्लाज्म है उसमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो जो ये कंस्ट्रिक्शन होती है ये एनाफेज में ही इसकी इनिशिएशन हो जाती है, यानी कि एनाफेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें ये दिखाई कहाँ देता है? ये टीलोफेज में दिखाई देता है। जैसे कि आप रिमाइंड करिए थोड़ा कि जब हम माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहे थे तो जो क्रोमोसोम्स विजिबल हुए, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की हम स्टडी कर सकते हैं वो हम मेटाफेज में कर सकते हैं। प्रोफेज में तो हमें वो विजिबल नहीं थे, हम उनकी मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से अगर हमें क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है तो माइटोसिस में हम कौन सी स्टेज में कर सकते हैं? मेटाफेज में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन होती है वो एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी जो विजिबल ज़्यादा होती है वो टीलोफेज में होती है। तो किसकी कंस्ट्रक्शन? साइटोप्लाज्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया था। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्पिंडल है वो डिसअपियर हो जाते हैं टीलोफेज तक, उन्होंने क्या किया, डॉटर क्रोमोसोम्स को ऊपर तक लेके आए, तभी तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हुए दो में, ठीक है। तो स्पिंडल क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरजोनल फाइबर्स, जिन्होंने इनको कनेक्ट कर रखा है दो न्यूक्लियस को। तो ये अब इंटरजोनल फाइबर्स का क्या होगा, ये अब हमने पढ़ना है। इसका रोल कहाँ पर है? अब इसका रोल है साइटोकाइनेसिस में। अब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन में, और वो भी कौन से सेल में? एनिमल सेल में। आपके एनसीईआरटी में जो सेल डिवीजन है वो एनिमल सेल में बताई गई है, प्लांट सेल में नहीं बताई गई है। लेकिन प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जरूर बताई गई है माइटोसिस में। तो सिर्फ इस चैप्टर में हम प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन में, और फर्दर जो सेल डिविजन्स हैं पूरी की पूरी वो हम एनिमल सेल में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में पढ़ेंगे। तो जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है उसे हम बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज साइटोकाइनेसिस। क्लीवेज मीन्स डिवाइड हो जाना, वही हमने पढ़ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में अब जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये मिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस ऐसे इस तरीके से, दिस वन ये मिड बॉडी है। ये किससे बनी हुई है? फिब्रस वेसिकुलर स्ट्रक्चर है इसकी। किस तरह से है? फिब्रस और वेसिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होती है मिड बॉडी, ठीक है। तो ये जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं ये अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर देंगे। जब इंटरजोनल फाइबर्स अपने आप को कंडेंस करेंगे तो एक बंडल सा बना लेंगे, जैसे फाइबर्स का बंडल होता है, ठीक है। और उनका इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में ये आ जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। जैसे ही मिड बॉडी बनी, यानी कि जैसे ही इंटरजोनल फाइबर्स ने अपने आप को कंडेंस किया, वैसे ही इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि इन द साइटोप्लाज्म देयर आर प्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट्स। तो अब वो माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ होंगे? इधर जाना शुरू कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ, यहाँ पर यहाँ इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। ये है ना माइक्रोफिलामेंट्स डिपॉजिट अंडर द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही मिड बॉडी बनेगी वैसे ही साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे डिपॉजिट होंगे तो वो किसको पुश करेंगे? इस सेल मेम्ब्रेन को पुश करेंगे, कहाँ? अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। तो वो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन को पुश करेंगे, किसके पास ले जाने की कोशिश करेंगे? इस मिड बॉडी के पास। और ये फॉर्मेशन कहलाएगी इस तरीके की। अभी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ रही है ना, अंदर की तरफ पुश हो रही है। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? फरो फॉर्मेशन।
ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें, जैसे कि एक फरो हो, इस तरह की अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की, ठीक है। ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन जा रही है, तो इस तरह की अपीयरेंस को हम बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। तो ये कौन कर रहा है, ये माइक्रोफिलामेंट्स कर रहे हैं, उस सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, और किस तरह की अपीयरेंस शो कर रहे हैं, फरो फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फरो फॉर्मेशन शो हो रही है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, मिड बॉडी की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो वहां पे एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बाहर से जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स लग रही है किसके कारण लग रही है, जो माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं वहां पर लग रही है, और किस तरह का अपीयरेंस हो रहा है, फरो फॉर्मेशन बन रहा है। जैसे ही ये फरो बनता है, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आती है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, उसी टाइम क्या हो जाती है, क्लीवेज, यानी कि जो ये साइटोप्लाज्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये एक सेल, ये साइटोप्लाज्म और ये दूसरा, तो दो डॉटर सेल्स बन गए। तो माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या था, सेल नंबर इंक्रीज हुआ, एक सेल से कितने सेल बने, दो सेल्स बन गए। तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस। विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, और कौन सी सेल डिवीजन की, माइटोसिस सेल डिवीजन की, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब हमने आगे पढ़ना है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। अब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इतने में आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं, प्लांट साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। तो क्या डिफरेंस है, पहले वो जान लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो साइटोकाइनेसिस है या फिर सेल डिवीजन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस है उसका नेम है सेल प्लेट मेथड। जैसे एनिमल सेल वाली में क्या था, क्लीवेज मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर है सेल प्लेट मेथड। अब क्या क्या डिफरेंस है, जो एनिमल सेल था उसमें सेंट्रियोल्स फॉर्मेशन होती है और स्पिंडल्स एस्टरेज जब बनती हैं तब बनते हैं, अगर सेंट्रियोल्स बनेंगे तो वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, साथ में वो एस्टरेज भी रेडिएट करेंगे और साथ में क्या बनेंगे, स्पिंडल्स भी बनेंगे, ठीक है। ये सब था वहाँ पर एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, कोई एस्टरेज नहीं होती है, लेकिन स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिंडल्स हैं लेकिन कोई सेंट्रियोल्स नहीं है और कोई एस्टरेज नहीं है, ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल की सेल डिवीजन में, ठीक है। दूसरा, वहां पर हमने टीलोफेज में पढ़ा था, एनिमल सेल के टीलोफेज में, माइटोसिस में, कि वहां पर बीच में क्या रह जाते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स रह जाते हैं, है ना, और स्पिंडल डिसअपियर हो जाते हैं, यही पढ़ा था। लेकिन अब ये देखो, ये क्या है, टीलोफेज ही है, दिस इज टीलोफेज ऑफ प्लांट सेल। तो इस टीलोफेज में क्या है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स रह जाएंगे, प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स टोटली डिसअपियर नहीं होते हैं, एनिमल सेल में डिसअपियर हो जाते हैं, वहां सिर्फ इंटरजोनल फाइबर्स रहते हैं, लेकिन प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट सेल के जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स प्लांट सेल में रह जाते हैं टीलोफेज में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। सो दीज आर फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। एक चीज और, प्लांट सेल में जो गॉल्जी बॉडी होती है, अब टीलोफेज में सारी सेल ऑर्गेनेल्स वापस आ जाती हैं, है ना, यही था एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में भी यही होगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, गॉल्जी बॉडी भी वापस अपीयर होगी। तो अब गॉल्जी बॉडी क्या बनाएगी, इस प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स बनाएगी, दीज आर वेसिकल्स, और कहाँ बनाएगी, इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है ना, पढ़ा था हमने, जो सेंटर पार्ट होता है सेल का वो क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। तो ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर गॉल्जी बॉडी ने क्या किया, गॉल्जी बॉडी ने अपने वेसिकल्स बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेसिकल्स बने हुए हैं, इन वेसिकल्स को किसने होल्ड कर रखा है, इन फ्रेगमोप्लास्ट ने, और फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स हैं,
ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन हो चुकी है, तो ये क्या है, हमारे डॉटर न्यूक्लियस है। अब हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन करवानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था टीलोफेज। अब साइटोकाइनेसिस कैसे स्टार्ट होगी प्लांट सेल में। अब ये देखिए, जो ये वेसिकल्स हैं, ये वाले दीज वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स हैं, इन ये आपस में फ्यूज होना शुरू कर देंगे, इनकी मेम्ब्रेन। अब ये मान लो यहाँ पे ये बड़ा सा बना रही हूँ मैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये वेसिकल है एक और ये वेसिकल है। अब ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन आपस में क्या होने लग जाएंगी, फ्यूज होनी शुरू हो जाएंगी, ऊपर से भी और नीचे की साइड में से भी, इस तरीके से ये फ्यूज होंगी। एक सेकेंड यहाँ पर, अब ये ऊपर की साइड से फ्यूज हो रही है और ये नीचे की साइड से, तो क्या बन रहा है, देखिए अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, ये एक शीट जैसी बन रही है, शीट लाइक अपीयरेंस आ रहा है, टू लेयर्स बन रही है, एक ऊपर से बन रही है और एक नीचे से बन रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन है इन वेसिकल्स की, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये क्या करने लग जाएगी, आपस में फ्यूज करने लग जाएगी। और जैसे ही ये फ्यूज होगी तो देखिए क्या बन गया, ये ऊपर की तरफ से फ्यूज हो रही है, ये ऊपर एक लेयर बन गई, नीचे की तरफ से फ्यूज हो रही है तो नीचे एक लेयर बन गई। और इसके अंदर क्या रह जाएगा, इस फ्यूज लेयर्स के अंदर क्या रह जाएगा, मैट्रिक्स। तो वो जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स ने क्या बना दिया, मैट्रिक्स ने ये बीच में एक प्लेट बना दी, इस प्लेट को बोलते हैं हम सेल प्लेट। चलिए दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, जो ये वेसिकल्स हैं किसने बनाए, गोल्जी बॉडी ने। तो इन गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स ने क्या किया, आपस में फ्यूज होना शुरू कर दिया, इनकी मेम्ब्रेन ने आपस में, ये इसकी मेम्ब्रेन इससे फ्यूज होगी, इसकी मेम्ब्रेन इससे, ऐसे ही नीचे वाली साइड से इसकी मेम्ब्रेन इससे फ्यूज होगी, इसकी इससे, तो क्या बन जाएगी, ये दो लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। इन दो लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, शीट लाइक अपीयरेंस, और क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअल में जो ये दो लेयर बनी, ये क्या बनी, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। अब इन वेसिकल्स में क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैट्रिक्स क्या है, जेली की तरह है, लेकिन जैसे ही ये दो शीट्स बनेगी, यानी कि जैसे ही दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेंगी, वैसे ही मैट्रिक्स क्या होने लग जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। जैसे ही मैट्रिक्स सॉलिड में कन्वर्ट होगा, अब ये जेली है, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में क्या बन जाएगी, सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन किससे हुई, मैट्रिक्स के सॉलिड होने की वजह से। और वो मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट था, इन वेसिकल्स में प्रेजेंट था। और ये जो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, यानी कि शीट लाइक अपीयरेंस बना, ये किसकी वजह से बना, जब इन वेसिकल्स की आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है, ऊपर से भी और नीचे से भी क्या होना शुरू होगी, आपस में फ्यूज होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी ये दो, और बीच वाली क्या बन जाएगी, सेल प्लेट बन जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही ये सेल प्लेट बनी, अब ये सेल प्लेट यहाँ अंदर की तरफ से बाहर जाना शुरू कर देगी, यहाँ इधर से भी अंदर की तरफ से बाहर जाना। कौन सी फोर्स लगेगी, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल होती है जो अंदर से बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर से सेल प्लेट की तरफ से बाहर की तरफ फोर्स लगेगी दोनों तरफ, और ये सेल प्लेट क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, और कहाँ तक पहुंच जाएगी, इस सेल वॉल को टच करेगी। ये सेल वॉल है और अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे जैसे ये सेल प्लेट बढ़ेगी, वैसे वैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बढ़ना शुरू कर देगी, और कहाँ टच कर जाएगी, अपनी अपनी बाउंड्रीज को टच कर जाएंगी, यानी कि ये जो सेल प्लेट है वो सेल वॉल को टच कर जाएगी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर जाएगी। और इस तरीके से क्या बन गई, बीच में एक सेल प्लेट बन गई। इस सेल प्लेट के बनने की वजह से क्या हो गया, ये न्यूक्लियस अलग हो गया और ये न्यूक्लियस अलग, ये सेल एक साइटोप्लाज्म अलग हो गया और ये साइटोप्लाज्म अलग हो गया। देखो ये दो सेल्स हो गए, इसकी अलग से क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अलग से क्या है सेल वॉल, इसकी भी अलग से सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ये ब्लू कलर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और अलग से क्या है, सेल वॉल है। सो दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट मेथड। और जैसे ही सेल प्लेट बनेगी तो क्या डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, इस सेल प्लेट के अंदर सेल्युलोज, पैक्टीन और हेमी सेल्युलोज, ये तीन चीजें डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगी, जो एक सेल वॉल में होती हैं, ठीक है, प्लांट सेल के सेल वॉल में होती हैं। इस सेल वॉल में क्या डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा,
सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और इस तरीके से ये वॉल क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। ये भी आप 8 चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब भी प्राइमरी सेल वॉल बनती है किस मेथड से? सेल प्लेट मेथड से प्लांट्स के अंदर, तो उसमें किन चीजों की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की और पैक्टिन की। ठीक है, तब वो वॉल क्या कहलाती है? प्राइमरी सेल वॉल। तो सेल प्लेट बन चुकी है, उसके अंदर इन सब चीजों की डेपोजिशन होगी, तो अब ये जो वॉल कहलाएगी इस सेल की, वो भी प्राइमरी कहलाएगी और दूसरे वाले की भी क्या कहलाएगी? प्राइमरी कहलाएगी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? तो ये जो दो डिफरेंसेस थे साइटोकाइनेसिस के, किस में? एनिमल सेल और प्लांट सेल में, वो आपको क्लियर होने चाहिए। ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करें नीट में तो नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे भी इसका रिलेशन है, प्लस टू में जब आप बोर्ड्स के पेपर दोगे तब भी ये वहाँ पर रिलेट है। तो आज अगर आप 11th में से अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका नीट और बोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? साइटोकाइनेसिस पढ़ी माइटोसिस सेल डिवीजन में। ठीक है, एनिमल सेल में पड़ी तो वो कौन सी थी? क्लीवेज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्लीवेज टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। और जो प्लांट सेल में पड़ी वो क्या थी? सेल प्लेट मेथड। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, एस्टर फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है उन्हीं की वजह से। लेकिन प्लांट सेल में एस्टर फॉर्म नहीं होते क्योंकि उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, लेकिन स्पिंडल फॉर्म होते हैं। थर्ड, एनिमल सेल में टीलोफेज में इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक फरो बनती है, बाहर से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन जाना शुरू होती है। किसकी वजह से? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं और तब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? जो ये वेसिकल्स हैं, टीलोफेज में ही गोल्जी बॉडी जिनको बनाती है, ये वेसिकल्स की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाती है और दो शीट लाइक अपीयरेंस यानी कि दो लेयर्स बना देती है, और इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है और सेंटर में सेल प्लेट बना देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगती है। तो सेंटर से सेल प्लेट से इस तरफ लगेगी और सेल प्लेट से ही इस तरफ, तो सेल प्लेट बड़ी हो जाएगी और कहां मिल जाएगी? अपनी सेल वॉल में, जो ये सेल है इसकी। और इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल जाएगा। इस तरीके से एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिनकी खुद की सेल वॉल होंगी और खुद की सेल मेम्ब्रेन होंगी। और जैसे ही ये सेल वॉल यानी कि सेल प्लेट बनेगी, वैसे ही इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करने लग जाएंगे? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। और तब ये वॉल, जो सेल वॉल बनी दो सेल की, ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेल वॉल इन प्लांट सेल कहलाएगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, दैट इज क्लीवेज, एंड साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, दैट इज सेल प्लेट मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे आज हमारी माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका एक टॉपिक आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो क्यों जरूरी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, वो आप वहां से वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है। फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अगर आपको रिमाइंड करना है तो। माइटोसिस क्यों होती है? माइटोसिस एक तो सेल की रिपेयर करवाती है बॉडी में, और जो डेड सेल्स हैं को रिप्लेस करवा के न्यू सेल्स फॉर्म करती है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स हमारे लिए काम कर पाए, चाहे वो प्लांट सेल है उनके भी काम कर पाए। दूसरा, जो माइटोसिस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का जरिया है। अगर ये माइटोसिस नहीं होगी तो एक सेल से आगे यूनिसेलुलर दो नहीं बना पाएंगे, जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, उसके बाद लेकिन अमीबा में माइटोसिस नहीं होती है, अमीबा में ए माइटोसिस होती है।
वो हम थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगी कि माइटोसिस और ए माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो माइटोसिस है, अगर ये माइटोसिस नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइटोसिस क्या करती है, सेल नंबर इंक्रीज करवाती है, चाहे वो हमारे सोमैटिक सेल्स हों, चाहे वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हों। रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी माइटोसिस होती है, लेकिन सिर्फ किस लिए, उनका नंबर इंक्रीज करवाने के लिए, अगर वो भी रिपेयरिंग मांग रहे हैं, अगर वो भी डेड हो चुके हैं तो। अदरवाइज तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन सी सेल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, ये डिफरेंस है बेटा, ठीक है। चलो इतना क्लियर आपको, एक थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं बताऊंगी माइटोसिस और ए माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो बेटा क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और ए माइटोसिस में। ए माइटोसिस में कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, जो अभी तक हमने माइटोसिस में पढ़ी है। माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है एक सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होती है। ए माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो अनइक्वल होती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता न्यूक्लियस, और जो माइटोसिस है उसमें इक्वल पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में ए माइटोसिस होती है, और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ए माइटोसिस होती है, जैसे कि पैरामीशियम, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम 12th क्लास करेंगे, वहाँ पे इसकी डिटेल है। और भी कई यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ए माइटोसिस होती है। तो किस तरीके से होती है, जैसे एक अमीबा का सेल है, यूनिसेलुलर है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो एनलेंथेंस होना, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन होगा ये सब काम। और जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो ये न्यूक्लियस एक से दो में डिवाइड हो जाएगा, ये दो न्यूक्लियस बन गए। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगी वैसे ही साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में इनिशिएशन हो चुका है इसका, अभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक सेल से कितने बने, दो डॉटर सेल्स बने, लेकिन बिना स्पिंडल फॉर्मेशन के बने, और जो न्यूक्लियर डिवीजन हुई वो भी अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन थी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ए माइटोसिस और माइटोसिस में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम और बढ़ेंगे। थैंक यू।